आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उल्टा झंडा फहराया है। सिसोदिया ने वेस्ट विनोद नगर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान उल्टा झंडा फहराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट विनोद नगर पहुंचे हुए थे मनीष सिसोदिया, यहां से विधायक हैं वो, और यहां पर उन्होंने उल्टा तिरंगा फहराया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस बात का भान किसी को भी नहीं हुआ। हमारे रिपोर्टर प्रशांत त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इतने लोग वहां पर मौजूद थे, मनीष सिसोदिया, किसी का भी ध्यान नहीं गया कि वो उल्टा तिरंगा फहरा रहे हैं? प्रशांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, जो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने जो तिरंगा फहराया वो उल्टा था, उसमें हरा रंग ऊपर दिखाई दे रहा है, केसरिया रंग नीचे है। प्रशांत, मनीष सिसोदिया ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इतने लोग वहां पर मौजूद हैं, किसी का भी ध्यान नहीं गया इस बात पर कि झंडा उल्टा फहराया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मंत्री हैं पूर्व दिल्ली प्रदेश के, और उनके तरफ से ये सब कुछ किया गया है। जाहिर तौर पे जो कुछ आम लोग थे और कुछ मीडिया कर्मी थे, जब उन्होंने पूरा वाकया बताया कि आपने उल्टा झंडा फहराया, जिसके बाद से मनीष सिसोदिया अपने बचाव में पक्ष ये बात कहने लगे कि हमने इसको सीधा कराया। विजुअल्स बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से जब शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने झंडा फहराया, तो उस वक्त भी झंडा ऊंचा था, जो झंडा था वो उल्टा था, यानी कि हरा रंग ऊपर था, बीच में सफेद और केसरिया नीचे था। बाद में जब होश दिलाया गया मीडिया की तरफ से कि आपने इस तरह से किया है, जिसके बाद से वो अपनी बात से मुकर गए हैं और फिलहाल झंडा जो है उसको लिया गया है। जी, वो अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि झंडा उल्टा फहराया जा रहा है और मनीष सिसोदिया उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।